कि किसान सब्जी वहां से ले और किसान वहां पर लेकर आए, मंडी में ना लेकर जाए क्योंकि मंडी में उसकी लूट होती है। वहां पर उसे 2-3 रुपए एक किलो का भाव दिया जाता है और जो कंज्यूमर है उससे वही 15 से 20 रुपए किलो के भाव पर बेची जाती है। तो हमने वहां पर एक प्रोग्राम ये दिया था कि किसान मंडी के बाहर सड़क पर अपना सामान रखेंगे और उसी तरीके से इसको ऐसे नहीं बेचेंगे कि वो 20 रुपए बेच रहे थे, हम भी 20 रुपए बेचेंगे। ऐसे नहीं, किसान ये सोचकर बेचेगा कि हमें 2 रुपए की जगह अगर 7-8 रुपया मिल जाए तो हमें मुनाफा है। अगर 8 रुपए बेचता है तो खरीदने वाला जो कंज्यूमर है उसे भी 8 रुपए में जब मिलता है तो दोनों को उसमें फायदा पहुंचता है। वो बात जब आई शुरू हुई पूरी तरह 1-2 दिन तो ऐसा लगा कि ये क्या होगा, इसमें सब्जी बहुत बढ़िया है, दूध बहुत बड़ा है। जब एकदम पूरी तरह इसको टाइट कर दिया गया तब ऐसा होने लगा कि अब सब्जी या तो यहां से लोग 30 रुपए किलो लेने की बजाय वहां पर 8 रुपए किलो लेंगे। तो उन लोगों ने, वास्तव में बता रहा हूं आपको बात, इसके हमारे पास प्रूफ है, दूध को बिखेरा जा रहा है लेकिन है वास्तव में क्या, वो दूध नहीं है, वो पानी है, वो एक ड्रामा किया गया और हमारे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा ही सब्जी के मामले में हुआ, ऐसा ही फलों के मामले में हुआ। कहीं भी किसी पंजाब में कहीं किसी किसान ने ऐसा नहीं किया और एक दो जगह पर ऐसे भी हुआ कि उन लोगों ने अपने आदमी वहां पर मिलाकर आंदोलन में मिला दिए और उन्होंने ये ऐसे ऐसे कर्म किए, आंदोलन को बदनाम कर। क्यों चाहते थे वो ये चाहते थे कि आंदोलन हिंसक हो और हमारा प्रोग्राम था कि आंदोलन को हिंसक नहीं होना। तो इसके मामले में वहां पर पंजाब में आपकी प्रेस को तो पूरा पता है, बहुत जगह 8-9 जगह ऐसी हैं जहां पर लाठी चार्ज के हालात भी बनाए गए, जो बठिंडा में लाठी चार्ज हुआ किसानों का। और यहां से आगे बढ़कर सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जिनकी लूट बंद हो रही थी उन लोगों ने किसानों को घर में जाकर चोटे लगाई, झगड़ा किया उनके साथ। और वो ऐसे आदमी 3-4 आदमी ऐसे हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं और हमारे पास वीडियो है, वो जो आदमी दूध बिखेर रहे हैं वो साफ हो रहे हैं कि उनको देखकर पहचाना जा सकता है कि वो कौन है, वो स्पष्ट हो जाता है कि वो किसान नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का बात ये है भाइयों कि वो आंदोलन यही नहीं रुका, गांवों में से बहुत सारे किसान ऐसे भी आए जिन्होंने अपने आप, वहां पर हमारा कोई संगठन नहीं, हमारे कोई साथी नहीं, लोगों ने इस संगठन को समर्थन दिया, किसी ने उनको बताया नहीं। हमारे पास हमारा जलालाबाद इलाका है, वहां पर अपने आप लोगों ने नाके लगाकर दूध बंद किया, फल बंद किया, सब्जी बंद की। और वहां पर ऐसा हुआ कि बाद में हमारा नंबर कहीं से लिया, मेरे से बात किया, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आंदोलन पूर्ण तौर पर किसानों के समर्थन से उठा था और उठा है। अगर कहीं ये बात है पंजाब में इसको रोकने की बात है तो कक्का जी ने पहले बता दिया कि पंजाब में पूरे देश में जितने डेयरी फार्मिंग के काम करने वाले लोग हैं उसका 55% केवल पंजाब में। वो बेचारे 2 दिन से हमारे पीछे पीछे हमें ढूंढ रहे थे कि हमारे से मीटिंग करो, हमारा कौन सा हल हो हमारा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो थी दूध को संभाल कर रखने की वो अब खत्म होने लगी थी।
वो बेचारा एक आदमी तो ऐसा हुआ कि ऐसे सोचने लगा कि हम मर ही जाएंगे अगर हमारा मतलब दूध ना गया तो। उसके मामले में जब हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारी लड़ाई किसी किसान को नुकसान करती है फिर वो लड़ाई लड़ने का कोई मतलब फायदा नहीं, उसको किसी ना किसी रूप में तब्दील करना जायज समझते हुए हमारे पंजाब के जो सभी संगठन थे, सभी संगठनों ने एकत्र होकर उस तब्दील किया उस प्रोग्राम को, उसको ऐसे नहीं किया कि उसको हमने कैंसिल किया या उसको बंद नहीं किया, संघर्ष कभी बंद नहीं होता। डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लेने के लिए हमारा ये संघर्ष है, वो उतनी देर तक राष्ट्रीय किसान महासंघ की जो हमारे कोर कमेटी की हमें जिम्मेवारी दी गई है पंजाब में, हम उनके इनके साथ सभी संगठनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी देर तक किसान को डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अनुसार फसल का भाव मिल नहीं जाता चाहे कुछ भी हो जाए हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे, किसी कीमत पर इसको रुकने नहीं देंगे। तरीका जरूर जो ऐसी परिस्थितियां आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसी किसान, अगर हमारा आंदोलन हमारे किसानों को ही हिट करता है, उन्हीं का नुकसान करता है, तो फिर वो एक को फायदा किया दूसरे को मार दिया, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात होती नहीं। सभी को लेकर चलना है, दूध पैदा करने वालों को, वो भी बेचारे किसान है, बड़ी बहुत भारी उनका उन्होंने कर्जा लेकर वो काम किया है, तो वो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो प्रोग्राम किया है कि हम 6 तारीख तक चाहे कुछ भी हो 6 तारीख तक इसको चलाएंगे। और हमारे जो मध्य प्रदेश में किसान शहीद किए थे पिछली बार सरकार ने गोलियों के साथ, उनका श्रद्धांजलि समारोह होगा, और उसके बाद जो आगे का प्रोग्राम है राष्ट्रीय किसान महासंघ का उसको उसी तरह अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने राष्ट्रीय किसान महासंघ की कोई अलग से कोई प्रोग्राम किया है या अलग से फैसला ले लिया, हमारे जो राष्ट्रीय किसान महासंघ की कोर कमेटी पूरी थी, सभी के साथ बातचीत हुई, सभी के साथ बातचीत होने के बाद इन पूरी कमेटी ने जब हमें ये कहा कि भी अगर आपकी परिस्थितियाँ खराब हैं, इन किसानों का नुकसान होता है, तो फिर आपको कोई ना कोई इसमें तब्दील करना चाहिए, तो तब इसको तब्दील किया था, तो ये पंजाब की परिस्थितियाँ थी।